नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस। यूपी पीसीएस में आरक्षण प्रक्रिया में बदलाव आज बहुत सारी न्यूज में आया है, ये इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डाउट्स हैं, सारी चीजें। सबसे पहली बात तो ये जो निर्णय है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय है और ये आयोग को मानना पड़ेगा। इसमें किसी सरकार का कोई क्रेडिट नहीं, सरकार ने कुछ इसमें नहीं किया है, ये आयोग को कोर्ट ने जो है निर्देश किया है, ठीक है। दूसरी बात है ये कब से लागू होगा, तो पेपर में अगर आप देखेंगे तो 18 दिसंबर से ये प्रक्रिया लागू हो गई है। तीसरी बात है कि क्या इसका जो है इफेक्ट यूपी पीसीएस 2018 और 19 में जो रिजल्ट आने वाले पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि 18 दिसंबर से इफेक्टिवली अगर लागू हो गई तो मतलब आप 18 दिसंबर 2019 के बाद से जो भी रिजल्ट आएंगे इस पे जो है इफेक्ट पड़ना बिल्कुल जो है लाजमी है ये। फिर देखिए बात करते हैं कि क्या इससे आरक्षण जो मिलता है एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरक्षण का नियम क्या है ये समझिए। अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं, मैं एक मोटा मोटा एग्जाम्पल बताता हूं आपको, और एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस चार कैटेगरी जो है, जो चार मेनली जो है रिजर्वेशन का मिलता है अगर आप देखेंगे इसमें, तो उनको 60% रिजर्वेशन देते थे अभी तक 100 में से, ठीक। लेकिन ये होता है कि आप उनको फाइनल स्टेज में देंगे। दो चीजें हैं इसमें, एक होते हैं एग्जाम की, मतलब वो सिंगल एक एग्जाम हुआ, एक ही एग्जाम से रिजल्ट आ गया, एक ही स्टेज थी। कुछ एग्जाम होते हैं जैसे उसमें प्री है, मेंस है, प्लस इंटरव्यू है, ठीक है, या फिर एक से ज्यादा स्टेज है अगर, तो वो वाले सारे एग्जाम में कुछ बदलाव हुए हैं। वो क्या है उसमें, यह है कि पहले अगर 60 सीटें रिजर्व थी तो अभी भी 60 सीटें रिजर्व रहेंगी, बिल्कुल साफ बात है अभी भी, ठीक है, अंतिम जो परिणाम ये है। लेकिन अब इसमें बदलाव ये किया गया है, अभी तक एक ओवरलैपिंग वाली समस्या आती थी। ओवरलैपिंग क्या होती है ये समझिए। मान लीजिए जैसे एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला कोई कैटेगरी का स्टूडेंट है, ठीक, उसने लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया, उसके जो है प्री में जनरल कट ऑफ से ज्यादा आ गए, मेंस में भी जनरल कट ऑफ से ज्यादा आ गए, फाइनल में भी जनरल कट ऑफ से ज्यादा आ गए, टोटल भी जनरल कट ऑफ से ज्यादा आ गए उसके, तो उसको जनरल में ओवरलैप कर दिया जाता था। मतलब कुल मिला के बात यह कि वो जो 60% जो सीटें थी उसकी, उसमें तो था ही वो, लेकिन अब उसके क्योंकि मार्क्स जनरल में ज्यादा आ गए हैं तो उसको आज निकाल के जनरल वाली सीट में जो है ओवरलैप कर दिया जाता था, इससे जनरल वालों को नुकसान होता था। अब ये चीज नहीं होगी, ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है मेरे हिसाब से, जहां तक मैं समझ पाया हूं, या फिर मुझे कोई बताया कि अगर ये गलत है तो मुझे भी समझाए जितना मैंने समझाई। अब क्या होगा, अब इसमें एक ये चीज बताई गई कि मान लीजिए आप जो है रिजर्व कैटेगरी के हैं, रिजर्व कैटेगरी कौन कौन सी, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, ठीक, तो अगर आपने प्री में या मेंस में या इंटरव्यू में कहीं भी रिजर्वेशन का जो है लाभ लिया, इसका मतलब ये है मान लीजिए जनरल का कट ऑफ गया है किसी पेपर में 200 में से 140 और एससी एसटी का जो है तब जाता है करीबन 120 या 110 या और उससे कम, तो अगर आपने जो है मतलब कैटेगरी के आप हैं और आपने जो आपके जो कट ऑफ मार्क्स है वो जनरल से जनरल वाले नहीं है, मतलब आप 140 कट ऑफ गया था लेकिन आपके कट ऑफ मार्क्स आपने 80 वाला बेनिफिट लेके मेंस दिया है, तो आपको जो रिजर्वेशन है वो ओवरलैपिंग में नहीं आने दिया जाएगा। ये एक बात है, मतलब आपके चाहे मार्क्स ज्यादा भी आ जाए जनरल से लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा फाइनल, मान लीजिए 100 सीटें थी उसमें से पहले से ही जो है तय होती है कि ये वाली सीटें जो है 20% एससी को देंगे, फिर जो है 27% ओबीसी को देंगे, फिर कुछ एसटी को देंगे, फिर कुछ ईडब्ल्यूएस को देंगे, तो अगर आपने किसी भी स्टेज में रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट लिया, चाहे वो कट ऑफ कम मार्क्स में या फिर कोई और एज रिलैक्सेशन लिया है, कुछ भी लिया, अगर आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया यहां पे, तो आप जो है अपनी कैटेगरी में ही रिजल्ट पाएंगे। ये एक बात है, ठीक है, ये एक सिंपल बात है। तो इससे अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए जैसे 100 सीटें थी अभी तक, एक एग्जांपल समझते हैं, 100 सीटें थी, 60 रिजर्व, 40 ओपन टू ऑल, ठीक। अगर लेकिन अभी भी देखिए फायदा रिजर्व वालों को ही है, मतलब जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर अभी मतलब ऐसा नहीं कि अब आप जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो रिजर्व में नहीं भर के जनरल में भरेंगे, नहीं भरना चाहिए ऐसा, क्योंकि आप जो है क्या करिए कि मतलब जो रिजर्व वाले वो अपनी कैटेगरी में ही भरिए, उसी का लाभ लीजिए। अगर आपके मार्क्स अपने आप जनरल से ज्यादा हो गए, ठीक है, मान लीजिए आपके आप प्रीलिम्स मान लीजिए 140 कट ऑफ गया जनरल का, ठीक है, अगर आपके मार्क्स अपने आप 150 है, मेंस में भी आपके जनरल से ज्यादा है, इवन जो है इंटरव्यू में भी आपके जनरल से ज्यादा है कट ऑफ से, तो आप अपने आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी में आपका जो है नाम आ जाएगा ये। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर तो आप है ही रिजर्व में,
तो फिर तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही, जो अगर मान लीजिए आपने भरा एस सी एस टी कैटेगरी ओबीसी और या ईडब्ल्यू से, आपने जो है उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट बीच में ले लिया, आपके 140 नहीं आए, ठीक है, मान लीजिए जो एस सी वाला कट ऑफ 110, उसी में आपने 110 ही आए, तो आपने जो है एक बार उसमें बीच वाली स्टेज में मतलब आपने लाभ लिया, तो आपका जो फाइनल नाम है वो एस सी वाले जो पोस्ट होंगी उसी में लिखा जाएगा। ये जहां तक मुझे समझ में आया वो यही केस है पूरा, ठीक है। तो ये एक मतलब बहुत बड़ा तो डिसीजन है ये, लेकिन मतलब इतना कोई फायदा जनरल का यहां पे यही हो सकता है फायदा। अभी तक ये होता था कि मान लीजिए 100 सीटें हैं, ठीक है, 60 जो है कैटेगरी रिजर्वेशन की है, 40 ओपन टू ऑल है, 40 ओपन टू ऑल है। तो अभी तक ये होता था कि मान लीजिए 60 कैटेगरी के लोग में से कोई ऐसे हैं 50 लोग जो है वो अपनी कैटेगरी के बेनिफिट लेके हुए, ठीक है, कि मतलब उनको कैटेगरी के बेनिफिट लेके हुए, लेकिन उसमें से 10 लोग ऐसे निकल आए जिनके मार्क्स जनरल से भी ज्यादा हो गए इन बिटवीन द प्रोसेस, ठीक है। तो वो जो है वो 10, वो यहां 10 ये वाली सीट खा जाते थे, ये जो 10 जो है मतलब 40 जो बची जनरल की, उनमें से 10 उनको ओवरलैप करा के दे दिया जाता था, तो ओवरऑल जो है 40 में से 30 सीटें ही बच पाती थी ओपन टू ऑल कैटेगरी में। ये बस जो है अब लाभ सबसे बड़ा होगा कि जो ओपन टू ऑल कैटेगरी में लड़ते हैं, ठीक है, अगर आपने बेनिफिट लिया तो आप अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे, अगर आपने बेनिफिट नहीं लिया तो ही आप ओपन टू ऑल में आ सकते हैं, सिंपल बात ये है, ठीक है। अभी तक मुझे यही समझ में आया है, और मतलब एक अच्छा डिसीजन तो माना जाएगा कम से कम, कि मतलब जो ओपन टू ऑल कैटेगरी की सीटें हैं अगर वो 40 हैं, तो कम से कम वो 40 जो उसमें मतलब जो कोई रिजर्वेशन नहीं ले रहा है उन्हीं के लिए रहेंगी वो, ये एक बड़ी बात है, ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया मैंने बताई आपको, ये अभी से लागू होनी चाहिए जहां तक मुझे समझ आता है, 18 दिसंबर 2019, अगर आप पेपर में पढ़ेंगे तो 18 दिसंबर 2019 के बाद की सारी में है, 2018 में होगी मतलब 2019 में भी होगी, ये है हिसाब किताब। दो तीन चीजें हो रही होगी, पीसीएस में कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, तो एक चीज ये है कि आप कह रहे हैं कि 2018 का जो रिजल्ट आएगा उसमें जो नई प्रोसेस आई थी ना, कि भैया पहले अभी तक मेंस में 18 गुना लेते थे, अब 13 गुना लेंगे, ठीक है, और जो अभी तक 5 गुना लेते थे इंटरव्यू में 2 गुना लेंगे, ये 2019 से लागू हुआ था, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये 2018 के रिजल्ट में लागू होगा, ये एक बड़ी बात है। मतलब कि 2018 के इंटर अगर आप देखें, पोस्ट कितनी थी, करीबन 900 साढ़े 900 पोस्ट थी, तो मतलब उसमें इंटरव्यू के लिए कितने लोग जाने चाहिए थे, करीबन 4000 साढ़े 4000, लेकिन अब जो है 1800 2000 ही जा पाएंगे शायद, ये एक दूसरी चीज है। और ये वाला जो है इन्होंने बोला है कि अब जितने भी आगे की चीजें रहेंगी वो ये वाले जो डिसीजन है, मतलब आयोग ने कुल मिला के बोल दिया है कि अब वो जो आयोग कहेगा उसी हिसाब से रहेगा, जो ये मतलब 18 से 13 गुना करना या फिर 5 से 2 गुना करना, ये सब आयोग का डिसीजन, मतलब जो पहले चल रहा था ना आयोग में कि मतलब बहुत बड़ा जो है धांधली वाली चीज चल रही थी, तो अभी भी कोई ऐसा सुधार मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ हुआ है, क्योंकि अब जो है ये आयोग के अध्यक्ष जी वो अपनी दादागिरी टाइप की चला रहे हैं कि जो वो कह देंगे वही होगा। 18 से 13 गुना में सिर्फ एक समस्या है कि भैया आयोग जो है उतना कॉम्पिटेंट नहीं, उनके पास जो है योग टीचर नहीं है, फंड जो जबकि सरकार इतना देती है तो योग टीचर, बताइए यूपी में इतनी बेरोजगारी है तब भी जो है इनके पास योग नहीं मिल रहा है, तो आप करो ना रिक्रूटमेंट फिर। और इंटरव्यू में भी 5 से 2 गुना करने का क्या मतलब है, अरे 5 जो गुना लोगों को ही लेके भी तो कराया जा सकता था, थोड़ा बहुत एक आध, जब आप वैसे ही इतना लेट देते हो 1 हफ्ता और सही, और उसमें क्या पता कुछ ऐसे लोग निकल आए जो टॉप 200 से ज्यादा जो है वो, कई बार इंटरव्यू में भी तो 1 आध नंबर का आगे पीछे हो जाती है रैंक। तो खैर ये जो भी है आयोग का है, मैंने कोई चीज अगर बोली हो और आपको लगे कि नहीं ये मैं गलत बोल गया हूं तो जरूर करेक्ट करिएगा मुझे। हाँ ये एक और चीज है, मतलब जो ये ओवरलैपिंग वाली चीज है ना, ये बहुत अच्छी एक चीज हुई है कि ये खत्म हो जाएगी ओवरलैपिंग। मैंने बताया आपको फिर से कि मान लीजिए कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है, ठीक, और उसने जो है ये सारी स्टेज में अगर जनरल के कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर लिए, तो कैटेगरी को तो हाई, मतलब उसको तो सीट उसकी वैसे ही मिलती, लेकिन अगर उसके जनरल से ज्यादा मार्क्स आ गए, उससे बराबर आ गए, तो उसको अनरिजर्व में फिट कर दिया जाता था, मतलब वो अनरिजर्व की सीट खा लेता था। तो ये अब नहीं होगा, ये ओवरलैप हो जाती थी, फिर वो ओवरलैप होकर मतलब उसको फाइनली अनरिजर्व में दिखा दिया जाता था, तो जो अनरिजर्व में 40 वैसे ही थी, 100 में से वैसे ही 40 उनको मिलती थी, तो आप जो है वो वाली सीटें उनके लिए इंटैक्ट रहेंगी, ठीक है। एक चीज और है, कई लोग ये पूछेंगे मुझसे कि आप जो है रिजर्व कैटेगरी में भरना चाहिए कि नहीं, देखिए भरे तो आप रिजर्व में ही, फायदा उससे रहेगा। अब मान लीजिए उस, देखो इसमें कहीं भी क्योंकि नोटिस में ये नहीं लिखा है कि आपको अगर आपने भर दिया तो ही जो है अनरिजर्व में, तो ही अगर आपने मतलब रिजर्व कैटेगरी में अपना जो है उसमें जब फॉर्म भर रहे हैं
तो टिक कर दिया तो आपको सो उसी वाली सीट मिलेगी, ये कहीं नहीं लिखा है। सिंपल बात यह कि आप रिजर्व वाली कैटेगरी में भरिए, ठीक। अगर आपके मार्क्स जनरल या जनरल से ऊपर आ गए, ठीक, तो आपको अपने आप जनरल वाली सीट मिल जाएगी, मतलब आप ऐसे ही एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, ठीक है, मतलब आपको रिजर्वेशन जरूरत ही नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आपके नहीं आए तो रिजर्व वाली कैटेगरी में तो आपको कट ऑफ कम होता ही है, तो फिर उसके थ्रू तो सीट मिली जाएगी। और ये जो है एक मतलब रूल होता है स्टैंडर्ड कि रिजर्वेशन हमेशा लास्ट वाली स्टेज में होना चाहिए। अगर परीक्षा की जो स्टेज है वो एक ही स्टेज है तो उसी में कर दो, लेकिन अगर परीक्षा तीन तीन स्टेजेस में हो रही है तो आपका जो रिजर्वेशन होना चाहिए फाइनल स्टेज में होना चाहिए। मतलब अगर आपके टोटल 100 सीटें हैं, ठीक है, तीसरी स्टेज जो है मतलब फाइनली जो रिजल्ट आना चाहिए वो 100 में से जो 60 रिजल्ट वाले हैं उनके पास जाना चाहिए, ठीक है, और बाकी जो 40 है वो ओपन टू ऑल ही रहना चाहिए। ये तो जो बाकी 40 ओपन टू ऑल में भी अभी तक कई सारे कैटेगरी वाले इधर आ जाते थे जिसकी वजह से उन सीटों का लॉस हो जाता था, ये नहीं होगा, ठीक है। अभी कई सारे रिजल्ट आए उसमें आपने देखा कि जनरल में एक भी लोग नहीं हो पाए, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है वहां, मतलब वहां पे अगर जनरल के मार्क्स कम आए और SC/ST या OBC या फिर EWS कैटेगरी के ज्यादा आए, ठीक है, तो उन लोग को इधर ओवरलैप करके जो है घुसा दिया जाता था, ये नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा स्टेप मुझे लगा, और मुझे नहीं लगता कि इससे किसी भी जो है कोई मतलब ऐसा भ्रम मत फैलाएगा, कोई रिजर्वेशन में कोई जो है घाटा नहीं होने वाला है उनको, बल्कि डबल ही फायदा है। बस एक जो समस्या थी कि भैया ये ओवरलैपिंग, अब देखिए 100 सीटें थी तो 100 मतलब आप वैकेंसी तो रहेंगी अभी भी, ठीक, आपके पास जो 60 कैटेगरी थी वो तो है ही आपके पास, आप तो उसमें जा ही सकते हो, ठीक है। लेकिन अब वो है कि मतलब अगर मान लीजिए 60 में से 10 लोग के ज्यादा मार्क्स आ गए तो ये 40 में डाल देते थे उनको, तो मतलब कुल मिला के 100 में से सिर्फ 90 लोगों को सिलेक्ट करते थे, आपको इधर डाल दिया तो ओवरलैपिंग हो गई, ये एक चीज जो है दूर हो जाएगी, तो 10 लोगों को और पोस्ट मिल सकती है। इसके बाद एक और पोस्ट आया योगी जी का, वो मैं दिखाता हूँ आपको, इस पे आप जरूर कमेंट करिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। देखिए ये CM ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का बिल्कुल ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, ये इन्होंने ट्वीट किया है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसमें 3.25 वर्षों के दौरान 2.5 लाख से अधिक युवाओं को प्रदेश में सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। तो क्या ये सही है और क्या चीज़ है, ये एक है जो है डिस्कशन वाली चीज़ है, ये सब्जेक्टिव चीज़ है।